हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्यूटर की एक ऐसी टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपका कीबोर्ड का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टर मैप की। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हो वैसे में आपका कीबोर्ड काम करना बंद कर दे, या फिर आपका कीबोर्ड का कोई ऐसा बटन जो काम ना कर रहा हो वो गड़बड़ हो, तो ऐसे में आप इस टूल का यूज करके इजीली टाइप कर सकते हैं। या तो आपको कुछ वर्ड हिंदी में टाइप करनी हो और आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो इस टूल का यूज करके आप हिंदी में भी आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसे यूज करके बतला देते हैं कि इसे ओपन करते कैसे हैं और इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पर हम एक एमएस वर्ड का एक पेज को ओपन कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ कोई भी चीज़ टाइप करना, लेकिन एक्चुअल में मेरा कीबोर्ड का जो है वो कुछ बटन ख़राब है। तो उसके लिए हम सिंपल करते क्या है, सिंपल यहाँ चले जाते हैं विंडो बटन पे और यहाँ सर्च कर लेते हैं कैरेक्टर मैप। यहाँ दोस्तों कैरेक्टर मैप सर्च करते ही हमारे होम स्क्रीन पे इसका ऑप्शन नज़र आ जाता है। तो हम सिंपल इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का खुलकर आ जाता है। तो यहाँ देखिए, हमारे सामने दिया हुआ फॉन्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम अगर हिंदी में वर्ड टाइप करनी है तो यहाँ से हिंदी का फॉन्ट ले सकते हैं, इंग्लिश में लिखनी है तो इंग्लिश का फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ढेरों यहाँ पर फॉन्ट दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको कुछ फॉन्ट सिलेक्ट करके दिखाते हैं, जैसे इंग्लिश का वर्ड दिखाते हैं। तो ये देखिए इंग्लिश का एक मैंने फॉन्ट ले लिया। तो उसके लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी फॉन्ट, जैसे ये लिया तो ये इस तरह से आ गया इसका फॉन्ट। अब हम यहाँ पर आपको कुछ लिखकर दिखला देते हैं। जैसे मुझे राज लिखना है तो राज के लिए ये देखिए आर, और यहाँ से आर पे गया सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद ए पे जाता हूँ, ए पे जाने पर एक पे क्लिक किया और सिलेक्ट किया यहाँ से। फिर उसके बाद जे पे गया और उसे भी इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सारे के सारे को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये देखिए सारे को सिलेक्ट करके यहाँ सिंपल कॉपी पे किया और जहाँ हमको पेस्ट करना है वहाँ हम यहाँ सिंपल पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया पेस्ट दोस्तों। अब इसको मैं आपका साइज़ बड़ा करके दिखला देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, राज हमारा लिखकर तैयार हो गया। अगर दोस्तों आपको कैरेक्टर मैप में वर्ड्स को, लेटर्स को फाइंड करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका एक उपाय और है। आप विंडो बटन पर सिंपल चले जाएं, यहाँ जाने के बाद यहाँ सर्च कर लें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये सिंपल ओ सर्च करते ही दोस्तों यहाँ पर देखिए ओ एन जैसे हम लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया दोस्तों। तो यहाँ से हम सिंपल इस पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों ये देखिए हमारे होम स्क्रीन पे एक कीबोर्ड ऑन हो जाता है दोस्तों। तो चलिए देखिए, इसमें से जो कुछ भी हमें लिखना है एक कीबोर्ड में, सारा का सारा जो लेटर्स है वो सारे के सारे यहाँ दिए हुए हैं दोस्तों। तो हमको जो भी लिखना है, जहाँ लिखना है वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद यहाँ से सिंपल लिखते जाते हैं। जैसे मुझे ये देखिए एम लिखा, एच लिखा, आर लिखा, जो भी लिखना है ये देखिए कुछ भी लिखना है वो यहाँ से लिखा गया दोस्तों। अब चाहते हैं जैसे सारा का सारा को सिलेक्ट करना रहता था या फिर कॉपी करना रहता था तो हम कीबोर्ड से यहाँ प्रेस करते, कंट्रोल के साथ कुछ भी प्रेस करते, तो उसके लिए यहाँ क्या करना है, जैसे मुझे दोस्तों यहाँ सारा का सारा को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम पहले क्या करते थे, कीबोर्ड से अपने कंट्रोल के साथ ए पे करते थे तो ऑल सिलेक्ट हो जाता था। तो यहाँ भी आप उस तरह से कर सकते हैं, पहले आप कंट्रोल पे टिपें, फिर उसके बाद कंट्रोल पे टिपने के बाद ये देखिए ए पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो सारा का सारा ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब हम इसे सारा का सारा को कॉपी करने के लिए सिंपल फिर से जाते हैं कंट्रोल पर और यहाँ सी पे करते हैं तो ये हो गया कंट्रोल सी के साथ कॉपी। अब इसे दोस्तों यहाँ पेस्ट अगर करना है तो ये देखिए जैसे कंट्रोल पे गया और ये वी पे जैसे ही गया दोस्तों ये देखिए पेस्ट हो गया। तो एक्चुअल में जिस तरह से हम अपने कीबोर्ड का यूज करते थे तो कीबोर्ड का बटन्स ख़राब होने के बावजूद भी हम उसका यूज यहाँ कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से आप कैरेक्टर मैप का यूज़ करके और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करके आप अपने कीबोर्ड का जो प्रॉब्लम है उसे हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही अगर किसी भी तरह का आपको डाउट्स हो तो वो कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।